सो गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज आपको एक ऐसी अपडेट मिलने वाली है जिसे सुन के आप सभी एक बार फिर से खुश हो जाओगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हनी पाजी की एल्बम हनी 3.0 की, जिसपे अब काफी लोगों के रिएक्शंस आ चुके हैं। जैसे टेक्निकल गुरुजी ने लिखा पूरा मजा आने वाला है, इक्का भाई ने लिखा मास्टरपीस, वहीं एमवीए बंटाई ने भी एल्बम पर रिएक्ट करते हुए लिखा आने दो। सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी है आप सभी यो-यो फैंस के लिए। जैसे कि आप सबको पता ही है कि पिछले 4 महीनों से हनी पाजी बैक टू बैक गाने दे रहे थे, लेकिन इस महीने कोई भी गाना नहीं आने वाला था क्योंकि पेरिस का ट्रिप सॉन्ग नेक्स्ट मंथ के लिए शिफ्ट हो गया था। सो गुड न्यूज ये है कि हनी पाजी का इस महीने भी एक गाना आ सकता है, जो कि ऋतिक रोशन एंड सैफ अली खान की मूवी में होने वाला है, जिसका नाम है विक्रम वैदा। इसका प्रूफ आप सामने देख सकते हो, विकिपीडिया पे साफ साफ लिखा है कि इस मूवी में हनी पाजी एंड नेहा कक्कर का एक गाना होने वाला है, जिसको विशाल दादलानी ने कम्पोज किया है। इस गाने का नाम एल्कोहोलिया रखा गया, जो कि हनी पाजी के एल्कोहोलिक सॉन्ग जैसा ही लग रहा है। मैं बता दूं ये मूवी इसी महीने 30 तारीख को रिलीज होने वाली है, तो गाना भी आपको इसी महीने सुनने को मिल सकता है। हालांकि इस गाने की रिलीज डेट विकिपीडिया पे 13 सितंबर लिखी है, जो कि 2 दिन पहले ही निकल चुकी है। सो हो सकता है ये गाना आपको अगले हफ्ते तक सुनने को मिल जाए। जैसे देताली सॉन्ग को टी सीरीज ने अचानक से रिलीज कर दिया था, वैसे ही शायद इस गाने का भी पोस्टर अचानक से आ जाए और अगले दिन आपको ये गाना भी सुनने को मिल जाए। सो आप लोग कितने एक्साइटेड हो ऋतिक रोशन को एक बार फिर से हनी पाजी के गाने पे डांस करते हुए देखने के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहां तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।